दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। दोस्तों उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव की तारीखों के ऐलान की आहट आनी शुरू हो चुकी है। माना जा रहा है कि दशहरे के बाद यानी कि 12 तारीख को विजयादशमी के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान लगभग हो जाएगा, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसी जानकारी सामने आ रही है निकल करके। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए एक फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। वो कौन सा प्लान है जिस पर समाजवादी पार्टी काम करने जा रही है, आज के इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। साथियों आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। सबसे पहले अगर सीटों की बात कर लें तो गाज़ियाबाद की सदर सीट पर उपचुनाव होना है, इसके अलावा मुरादाबाद की कुंदरकी सीट पर चुनाव होना है, मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर चुनाव है, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट है, करहल विधानसभा सीट पर चुनाव होना है, साथ में कानपुर की सीसामऊ सीट, पूर्वांचल की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे तो मिल्कीपुर में चुनाव होना है, कटहरी में चुनाव होना है, फूलपुर और मझुआ में भी चुनाव होना है। साथियों तो कुल मिलाकर के 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। 10 में से 5 सीटें ऐसी हैं जहां से समाजवादी पार्टी पर जिन सीटों पर कब्जा था, जिसमें से 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे वो सांसद बन चुके हैं, इस वजह से खाली हुई हैं। एक सीट जो है कानपुर की सीसामऊ, वहां से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी अयोग्य करार दिए गए हैं। उस मामले में उनको वो दरअसल दोषी करार दिए गए, उनको सजा हो गई है, इसलिए उनको वहां पर उस सीट पर उपचुनाव होना है। अखिलेश यादव इसी आपदा को अवसर में बदलना चाहते हैं, 5 से बढ़ा करके अपनी संख्या अखिलेश यादव 8 या फिर 10 करना चाहते हैं, और उसके लिए अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव जिस फॉर्मूले पर उन्होंने लड़ा उसी फॉर्मूले को एक कदम और आगे बढ़ा करके इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, और उसी तह में या यूं कहें कि उसी फॉर्मूले के तहत अखिलेश यादव ने अक्टूबर महीने के 4 दिन बहुत महत्वपूर्ण समाजवादी पार्टी के लिए चिन्हित कर लिए हैं। वो 4 दिन ऐसे हैं साथियों जहां से समाजवादी पार्टी पूरे इस उपचुनाव की तस्वीर और तकदीर बदल देगी, उसकी पूरी सूरत बदल सकती है। वो 4 दिन इतने महत्वपूर्ण हैं, इतने इम्पॉर्टेंट हैं, जहां से समाजवादी पार्टी का जो PDF फॉर्मूला है वो और ज़्यादा मजबूत होकर के निखरेगा, और उसके लिए समाजवादी पार्टी ने एक पुख्ता और फुल प्रूफ प्लान भी तैयार कर लिया है। वो प्लान क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इन 4 तारीखों पर आप गौर करिएगा। एक तो 9 तारीख है यानी कि 9 अक्टूबर क्या है ये मैं आपको भी बताऊंगा। 9 अक्टूबर को एक ज़बरदस्त अभियान चलाने जा रही है समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में हर जिला मुख्यालय पर। यह सिर्फ 10 सीटों की बात नहीं है, यह 2027 की रूपरेखा भी तय करेंगे 4 तारीखें। पहली 9 अक्टूबर, दूसरी 10 अक्टूबर और तीसरी 11 अक्टूबर और चौथी 12 अक्टूबर यानी कि विजयादशमी के दिन की तारीख। 9, 10, 11 और 12 ये जो 4 दिन हैं ये समाजवादी पार्टी के लिए बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप कहेंगे कि 9 तारीख को ऐसा क्या है? साथियों 9 तारीख को बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक रहे, बहुजन समाज पार्टी या यूं कहें कि इस देश में, इस प्रदेश में बहुजनों के किसी वक्त में सबसे बड़े नेता रहे माननीय साहब कांशीराम साहब का की पुण्यतिथि है। साथियों समाजवादी पार्टी ने फैसला किया है कि इस बार, जो मेरे सोर्सेस कह रहे हैं, इस बार समाजवादी पार्टी हर जिले में, जिले जिले में जाकर के समाजवादी पार्टी माननीय साहब कांशीराम का जो पुण्यतिथि है, पर निर्माण दिवस है, उसको मनाएगी और उस पर साथ साथ में दलित शोषित वंचित वर्ग के जो मतदाता हैं उनको अपने पाले में करने की कोशिश करेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है समाजवादी पार्टी के लिए। इस पर समाजवादी पार्टी जो है हर जिले में जाएगी और वहां पर माननीय साहब कांशीराम का जो पर निर्माण दिवस है वो मनाएगी, और इस मौके पर दलित समाज के लोगों के बीच में जा करके समाजवादी पार्टी की रीतियों और नीतियों से अवगत कराएगी। अगली तारीख है 10 तारीख। 10 तारीख को क्या होता है? 10 तारीख को
स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी की पुण्यतिथि है और इस दिन समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में भी नहीं बल्कि यूं कहे पूरे देश में पुण्यतिथि को बड़े ही अपने आप यूँ कह सकते हैं कि उस पुण्यतिथि के मौके पर समाजवादी पार्टी एक बड़ा संदेश देगी, न सिर्फ समाजवादी पार्टी के वोटर्स के लिए बल्कि वो वोटर जो भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों में हैं उनके जरिए समाजवाद और सामाजिक न्याय की एक नई परिभाषा गढ़ती हुई नज़र आएगी, एक नया संदेश देने की कोशिश करेगी। तो 10 तारीख इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद आप आ जाइए 11 तारीख। 11 तारीख को जयप्रकाश नारायण की जयंती है, यानी कि समाजवादी पार्टी जिन मूल्यों, जिन आदर्शों, जिन स्तंभों पर टिकी हुई है, जिनके आदर्शों पर चलती है, उनके आदर्शों के उन महानायकों की जयंती और पुण्यतिथि के आसपास समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़ा अभियान, बहुत बड़ी रणनीति पर काम करने जा रही है। जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि के मौके पर समाजवादी पार्टी दलित, शोषित, वंचित और पीडीएफ फॉर्मूले को और धार देगी। और इसके अगले ही दिन साथियों 12 अक्टूबर को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जो है वो पुण्यतिथि होती है और इस मौके पर भी समाजवादी पार्टी इस मौके को भी नहीं भुनाना चूकेगी। तो साथियों आप ये समझिए कि 10 तारीख को मान्यवर साहब, 9 तारीख को मान्यवर काशीराम की का परिनिर्वाण दिवस, इसको भी समाजवादी पार्टी अपने तरीके से इसको मनाएगी, इसको अपने तरीके से दलितों के बीच में जा करके अपनी बात पहुँचाएगी। 10 तारीख को स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की पुण्यतिथि, उसके बाद 11 तारीख को जयप्रकाश नारायण की जयंती और 12 तारीख को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती पुण्यतिथि। ऐसे में ये जो 4 दिन हैं, इन 4 दिनों में आप देखेंगे तो इन्हीं 4 दिनों में, इन्हीं 4 तारीखों में समाजवादी पार्टी का जो पूरा का पूरा पीडीएफ फॉर्मूला है उसकी तस्वीर खींचती हुई नजर आ रही है और ये समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत अच्छा मौका होगा जब वो इन महापुरुषों की जयंतियां और परिनिर्वाण दिवस और पुण्यतिथियां ग्रास रूट लेवल पर जा करके, जिलों में जा करके, विधानसभाओं में जा करके उसके जरिए एक बड़ा संदेश देगी। और ये जो संदेश है ये विधानसभा के उपचुनाव से होता हुआ 2027 के विधानसभा के मुख्य चुनाव तक पहुंचेगा इसका संदेश साथियों। तो ये जो 4 तारीखें हैं ये समाजवादी पार्टी के लिए 4 दिन अक्टूबर महीने के बहुत इंपॉर्टेंट हैं और यहीं से भारतीय जनता पार्टी की भी मुश्किलें शुरू होंगी, क्योंकि जब समाजवादी पार्टी इन सारे जो महापुरुष हैं, जो सारे नेता हैं, इनके आसपास, इनके इर्द गिर्द जब एक चुनाव प्रचार अभियान का एक खाका खींचेगी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई ऐसा मौका, कोई ऐसा तीर बचेगा नहीं जिसके जरिए वो समाजवादी पार्टी या फिर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक पर हमलावर हो सके साथियों। तो अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा एनालिसिस आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा लीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलते रहें साथियों। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।